रेटोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विश्व के सबसे पुराने जीवित शहर बनारस के इतिहास के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। वाराणसी, काशी की भूमि सदियों से हिंदुओं के लिए परम तीर्थ स्थान रही है। अक्सर बनारस के रूप में संदर्भित वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर है। मार्क ट्वेन की कुछ पंक्तियाँ ये सब कहती हैं। बनारस इतिहास में सबसे पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंती से भी पुराना है और सभी के साथ दोगुना पुराना दिखता है। हिंदुओं का मानना है कि जो वाराणसी की भूमि पर मरने के लिए अनुग्रहित है वह जन्म और पुनः जन्म के चक्र से मुक्ति और मुक्ति प्राप्त करेगा। वाराणसी है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल। माना जाता है कि वाराणसी में गंगा नस्वर लोगों के पापों को धोने की शक्ति रखती है। कहा जाता है कि भगवान शिव और वाराणसी में स्थित गंगा में इसकी उत्पत्ति होती है। यह उस विशाल नदी तक फैली हुई है जिसके बारे में हम जानते हैं। शहर 3000 वर्षों से सीखने और सभ्यता का केंद्र है। सारनाथ के साथ जिस स्थान पर बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपने पहले उपदेश का प्रचार किया वह वाराणसी से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, जो हिंदू नवजागरण का प्रतीक है। ज्ञान, दर्शन, संस्कृति, देवताओं के प्रति समर्पण, भारतीय कला और शिल्प यहां सदियों से फूले फले हैं। जैनियों के लिए भी एक तीर्थ स्थान, वाराणसी को 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थान माना जाता है। वाराणसी में वैष्णववाद और शैववाद का सामंजस्य है। कई मंदिरों के साथ श्रीमती एनी बेसेंट ने अपनी थियोसोफिकल सोसाइटी और पंडित मदन मोहन मालवीय को एशिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए घर चुना। कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति वाराणसी में हुई और माना जाता है कि यह आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार है, जैसे प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद और पथरी के ऑपरेशन। आयुर्वेद और योग के पूर्वदाता महर्षि पतंजलि भी पवित्र शहर वाराणसी से संबद्ध हैं। वाराणसी अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए भी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से बेहतरीन सिल्क और सोने और चांदी के ब्रोकर्स के लिए भी। शुरुआती दिनों से वाराणसी भी युगों के लिए सीखने का एक बड़ा केंद्र रहा है। वाराणसी अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, संस्कृति, योग और हिंदी भाषा के प्रचार से जुड़ा है और कभी प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद और तुलसीदास जैसे प्रसिद्ध संत कवि जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है जैसे सम्मानित लेखक हैं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी ने सभी सांस्कृतिक गतिविधियों को फूलने फलने का सही मंच प्रदान किया है। नृत्य और संगीत के कई प्रतिपाद वाराणसी से आए हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हिस्टोरिक टीवी हिंदी।